कराची गवर्नर हाउस में नवी सालाना विंटेज एंड क्लासिक कार रैली की तकरीब। विंटेज कार रैली में शामिल दो गाड़ियां कायदे आजम के जेरे इस्तेमाल रह चुकी हैं। तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था, विंटेज गाड़ियां कौमी असासा हैं। रैली का मकसद पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क दिखाना है। हुकूमती सतह पे इनका इस्तकबाल भी होगा और इनको इंकरेजमेंट कर रहे हैं, इनको इंकरेज कर रहे हैं हम काम करने के लिए, क्योंकि एक मैसेज है दुनिया के लिए। एक मैसेज ये है कि पाकिस्तान में हेल्दी एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई यहाँ पे खुदा ना खासा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का इशू नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे अमेरिकन काउंसिल जनरल भी खड़ी हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं इन चीजों में। गाड़ी के मालिक अल्ताफ हशवानी ने कहा, क्वीन ऑफ बरतानिया ने 1948 में रोल्स रॉयस कायदे आदम को तोहफे में दी थी। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है 1948 की रोल्स रॉयस सिल्वर एज। जो इसकी खसूसी बात ये है कि गाड़ी ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने गिफ्ट की थी कायदे आजम को, और इन्होंने 1948 में ये गाड़ी भिजवाई थी क्वीन ने वहां से इंग्लैंड से, और ये कायदे आजम के यूज में थी गाड़ी राइट अंटिल द टाइम दैट ही पास्ड अवे। दूसरी गाड़ी के मालिक करीम छापरा का कहना है कि ये रोल्स रॉयस नवाब और बहावलपुर की कलेक्शन में से है। ये जो गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं ये रोल्स रॉयस 1924 की है, सिल्वर गोस्ट। ये नवाब और भागलपुर के कलेक्शन से कार मैंने ली है। इस गाड़ी की थोड़ी सी हिस्टोरिकल वैल्यू ये है कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, तो उस वक्त कायदे आजम साहब जो है वो इसी गवर्नर हाउस से जो है सिंध असेंबली गए थे और हल्फ लिया था, तो ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। बलूचिस्तान से शुरू होने वाली कार रैली सिंध और पंजाब से गुजरकर खैबर पख्तूनख्वा पर इख्तिताम पजीर होगी। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ बिलाल अहमद, न्यू न्यूज़ कराची। We'll be right back.